हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है युगल, अभी तक मिलवाया नहीं है, वो है साहिल। आप सब ठीक होंगे ही। तो आज हम जा रहे हैं ब्रिस्टल। तो हमारी ये ट्रिप है, वन डे ट्रिप है, लंदन टू ब्रिस्टल, बजट ट्रिप रह गई। बाकी तू बोल ले, आजा, देखते हैं, आगे मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। और यूँ समझ लो कि बाकी एंड में बता दूंगा कैसे क्या बुक करना है, कितने की पड़ती है, बाकी चीज़ें एंड में बता दूंगा। बाकी आपको अभी हमें जा रहे हैं विक्टोरिया कोच स्टेशन, तो वहाँ से हम लेंगे बस, जो हमारी 3 घंटे की जर्नी होगी। चले मिलते हैं। जल्दी पाको और कहीं झूठ के भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं विक्टोरिया। तो ये है भाई लोग विक्टोरिया स्टेशन वाला एरिया, काफी अच्छी जगह है ये। यहाँ पे फूड कोर्ट है, अगर किसी की ट्रेन हो, बस हो और काफी लेट हो तो आप लोग यहाँ पे खाना खा सकते हो। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया कोच स्टेशन, वहाँ से हमारी बस है 10:30 और फिलहाल 10:20 हो चुके हैं। तो होप कि हम बस टाइम पे पकड़ लें। और ये देखो, ये एरिया हो गया यहाँ का। वो निकलेगी भाई टाइम पे पर। तो ये है विक्टोरिया कोच स्टेशन, यहाँ से मैं बस लूंगा। आपको दिख रही हो तो 035 इस टाइप की यहाँ पे बसेज होती हैं सारी। तो उससे में हम 6 बंदे हैं आज यहाँ पे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। और किसी को टाइमिंग वगैरह ना समझ में आ रही हो तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग वगैरह आराम से। यहाँ से हम अंदर निकलेंगे। सो अभी हम चलते हैं अंदर। ये अराइवल्स हो गए हैं लोग। एक छोटी सी टिप देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कभी भी जब भी यहाँ पे आओ तो हमेशा टॉयलेट वगैरह करके आओ। यहाँ पे एक तो साला कहीं टॉयलेट्स होते नहीं है तो बहुत हार्ड होता है ढूंढना। सो प्लीज़ गाइस, भाई लोग पता है आज क्या सीन हुआ है? हम 6 बंदे में से पता नहीं किस कितनी घटिया किस्मत थी आज कि हमारे जो बंदे थे, 2 बंदे तो बस में चढ़ गए और हम लोग है ना टाइम पे यहाँ पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे गेट बंद हो गए और हमारा वापस चूना लगा है कितना, 3,500 का, जो हम वसूल नहीं कर पा रहे। पर सोचो यार, क्या मतलब कितने खुश थे। अब कुछ खाते हैं, ये देखो अभी ये इसमें जाना है ग्रीक्स में, देख लो अभी ये कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत। तो भाई लोग यहाँ पे ना साला वेजिटेरियन तो इतना कुछ अच्छा मिलता नहीं है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या खाते हैं। और सब सैंडविच है ठंडे ठंडे, अभी देखते हैं क्या खाते हैं। ये देखो भीड़ कितनी है यहाँ पे, जा रहे हैं। ये है सेंसबरी, तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा हमारा फूड। तो अब हम यहीं लेते हैं कुछ खाने पीने का, क्या लेना है। बाकी ये देख सकते हो आप, तो वैसे भी हम भाई सोच के जो चले थे उससे हमारा चूना लग चुका है। तो अभी कोई सस्ती सी चीज़ें ढूंढते हैं खाने पीने के लिए। देखो साहिल तरस रहा है कुछ सस्ता ढूंढने के लिए, और हमें कुछ वेजिटेरियन मिल नहीं रहा। सुशी मिल रहा है ये। तो भाई लोग हमने अपना प्लान चेंज कर दिया, मैकडी जा रहे हैं हम लोग। सेंसबरी में थोड़ा महंगा पड़ रहा था और भी, तो अभी हम सोच रहे कि कहीं और जाते हैं। ऐसे हमारा उसमें क्या सीन हुआ, अभी हम जा रहे हैं मैकडी, मैकडी थोड़ा सस्ता पड़ता है और सेंसबरी में हमें जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं मैकडी, वहाँ पे कुछ देखते हैं सस्ता वस्ता जो मिलता है, फिर खाते हैं थोड़ा। और फिर वैसे भी हाँ यार, वापस ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है। हर बार की तरह कैचअप मानते हुए तो अब जगह ढूंढते हैं। फैमिली
तो ये यहाँ पे बैठता हूँ मैं अभी, खाते हुए की वीडियो बनाएंगे ये लोग। तो ऐसे हम केचप डालते हैं हमारे। अब चलो मैकडी का बर्गर खाते हैं। वैसे तो इंडियन बर्गर की बात ही अलग है, पर भैया यहाँ के तो ऑप्शन नहीं है ना। ये वाला भी अच्छा, चिकन लग चनवी इंडिया में नहीं मिलता भाई लोग ये वाला, पर तुम कभी दूसरी कंट्री में जाओ तो खाना ये वाला चिकन, जो चिकन खाता है चिकन सैंडविच, इसमें सिलेक्ट आता है मतलब, तो चिकन सिलेक्ट नाम है उसका, नाम है चिकन रैप। इसमें तीन चार फ्लेवर आते हैं भाई, कोई गार्लिक के साथ आता है, कोई चिली स्पाइस होते हैं, गार्लिक चिली रहती है, अलग अलग फ्लेवर होता है। बाकी मैंने ये नॉर्मल वाला लिया, मैं नाम भूल गया, पर अच्छा ही है चिकन रैप। The good news is not the bad news. The good news is you book for the bus, you get on, can't bring McDonald's on. That's the bad news. So you're not allowed to bring the food on the top. तो दोस्तों ये है मेरी आज की जर्नी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी दूसरी बस है, एक तो हमने छोड़ दी गलती से। तो ये देखो अभी मेरे दोस्त लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमने पहले, हमें वो लेके नहीं गए, तो ओके सो वी कैन मेल ईमेल ओके इन सीवीसी बट यू आर न्यू फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। ओके तो अभी हम इसमें जाएंगे। तो भाई लोग मैंने जबरदस्ती और फूड खाया है। क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग आए तो इन्होंने बोला कि हम फूड अंदर नहीं लेके जा सकते, हमारे पास मैकडी का था, तो हमने अब बाहर तो खाया। फाइनली हम ब्रिस्टल में लैंड कर चुके हैं, एक टाइप से उतर चुके हैं हम लोग अपनी बस से। अभी हम लोग अभी वॉशरूम वगैरह जाएंगे, थोड़ा रेडी होंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं एरिया आगे का क्या सीन है यहाँ का। चलिए मिलते हैं। तो भाई लोग ये है ब्रिस्टल का कोर्ट। वैसे तो जरूरत ना पड़े किसी को यहाँ जाने की। ये साइकिलें हैं, स्कूटर, पर इसके भी पैसे लगते हैं। क्या बात है भाई, लोगों से सिक्योरिटी बनाई हुई है यहाँ पे, तो कोई जा ना पाए अंदर। बाकी हमने ब्रिस्टल में घुस चुके हैं। अब वो टेस्को, ये भाई सहारा तो यही है टेस्को यहाँ पे तो, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं, जो हमारे दो बंदे थे आगे रह गए थे हमसे, या हम उनसे पीछे रह गए थे, तो उनके पास जा रहे हैं, वो लोग कहीं इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग हैं ब्रिस्टल के स्ट्रीट्स पे, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं अभी किधर जा सकते हैं। तो ये देख लो, ये कोस्टा आ गई, ये ब्रिस्टल का एरिया हो गया। ये यहाँ का प्राइमार्क शॉपिंग सेंटर, काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और ये यहाँ की बसेस लंदन से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ की बसेस। ये चाय टाइम, चैट टाइम है, चाय टाइम, हाँ भाई। तो लेट्स सी, ये पाउंडलैंड हो गया, ये सब तो सेम ही चीजें हैं। तो यहाँ पे लोग बाग सब इंजॉय कर रहे हैं, अपने धूप सेक रहे हैं, और साथ में यहाँ पे वैसे भी बियर और दारू बहुत पीते हैं लोग बाग। तो वही ये छोटा सा चर्च है, काफी अच्छा एरिया है। ये देखो भीड़ देखो यहाँ पे, मतलब लोग बक्सा मजे कर रहे हैं यहाँ पे। सब धूप सेक रहे हैं। वैसे तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमारा प्लान जो था वो शायद अब पूरा ना हो पाए, जो जो हम देखने वाले थे, पर देखते ट्राई करते कितना देख सकते हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे फ्लावर्स, पिकनिक स्पॉट अच्छा है, पर वहाँ उसके लिए हमें खाना भी लेके आना पड़ता है घर से, जो हम लोगों से नहीं हो सकता। बाकी पब्लिक सब इंजॉय कर रही है। सब लोग ये देखो यार क्या मस्त एरिया है, ये अंकल मस्त मजे से अपने साइकिल चला रहे हैं।
ये रिवर है यहाँ की, जैसे लंदन में थेम्स फेमस है यहाँ की, ये है, मेरे को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता फिलहाल क्या नाम है इस रिवर का, पर काफी अच्छी है। वैसे तो हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, हमारे टीममेट्स को उनको ढूंढ ही रहे हैं, कहाँ जाके खोपचे में बैठे हुए हैं पता नहीं, देखते हैं। अभी रास्ते में जल ही रहे हैं 15 मिनट से, अभी से थकान होने लग गई। भीड़ तो काफ़ी है यार, आज पब्लिक बहुत मज़े ले रही है धूप के, वैसे भी यहाँ पे जल्दी से धूप मिलती नहीं है तो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं धूप के साथ। ये देखो, ये यहाँ का रिवर व्यू हो गया। चलिए अब अपन अपन चलते हैं, बाकी धीरे धीरे मैं टुकड़ों टुकड़ों में कोशिश करूँगा सब कुछ दिखाने की। ये देखो एरिया काफ़ी अच्छा है यार, कसम से, मतलब कि शाम को, मतलब अगर यहाँ पे रहते हैं आसपास तो शाम को यहाँ पे बाहर आ जाओ, थोड़ा बहुत वॉक करो, हारे थके आके थोड़ा बहुत आराम कर लो, यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे देखो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, समर के मज़े सब ले रहे हैं और हम लोग अभी भी वेट ही कर रहे हैं। ये देखो भाई, पीना हो किसी को तो यहाँ आ जाओ, उस इंसान के कैटेगरी के तो लोग मिल ही जाएंगे यहाँ पे। कितना पीते हैं यहाँ पे लोग बग दबा के, भीड़ देखो यार। ये देखो, तो अभी मुझे मेरे टीममेट से पता चला है कि जो हमारी पहली लोकेशन थी वो थी ब्रिस्टल हार्बर, जो कि यही है। भीड़ के हिसाब से पता चल रहा है कि यहाँ क्या सीन है यहाँ पे। ये देखो भीड़ देखो लोग बग कितने, ये है ब्रिस्टल हार्बर, हमारे ब्रिस्टल की पहली लोकेशन। अभी हम यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, एक है टावर जहाँ पे पूरे ब्रिस्टल का सिटी का व्यू आएगा, और एक है ब्रिज, और एक दो जगह और है, बाकी हम देखते हैं कि क्या कवर कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। दूसरी लोकेशन किसकी तरफ जा रहे हैं अभी? हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई लोग सस्पेंशन ब्रिज, देखते हैं कैसा है। बाकी तो लेट तो हो ही रखे हम काफ़ी। ये हमारी पूरी पल्टन है, ये युगल के भैया भाभी, तो अभी वही उधर ही जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज, बाकी देखते हैं आगे। ये भीड़ देख लो भाई क्लिफ्टन विलेज के लिए। तो अभी हम बस से उतर चुके हैं और हमने ये थी क्लिफ्टन विलेज उतरे हैं हम। अब यहाँ से अभी 10 मिनट का वॉक है, फिर देखते हैं आगे कैसा व्यू है, दिखाता हूँ आप लोगों को भी। ये चर्च देख ही सकते हो, ये आसपास का व्यू है, क्लिफ्टन विलेज है ये। ये मेरी पलटन आ गए, खुद फोटोज फोटोज क्लिक की जा रही है अकेले अकेले। ये देखो हमारे हीरो चश्मे लगा के, काफी अच्छा व्यू है। तो अभी हम लोगों का फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है, ये देखो सब लोग फोटोज में बिजी हो चुके हैं। बाकी व्यू भी अच्छा है यार, पार्क अच्छा है, काफी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे ब्रिस्टल में। आना वसूल हो गया। ये युगल देख लो, पता नहीं किसके ख्वाबों में खोया हुआ है ये क्लिफ्टन विलेज। यहाँ से एक कौन सा ब्रिज है वो, मैं भूल गया फिर। तो फाइनली हम क्लिफ्टन ब्रिज पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये ऐसे ब्रिज पता नहीं कितने हैं, पर यहाँ पे ये फेमस है, फेमस इस वजह से है यहाँ का व्यू काफी अच्छा है। ये देखो ये है क्लिफ्टन ब्रिज, बाकी अभी आगे दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। ये तो भाई हिल स्टेशन ही मान लो एक टाइप से ही है। ये क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर से व्यू है यहाँ का, ये देखो एक टाइप से घाटी है, ये काफी अच्छी दिख रही है भाई। वैसे आना वसूल हो गया, भले ही लेट आए हैं हम लोग पर मजे तो आ गए। ये हमारा जिमर भाई, क्या नज़ारा है यार, मैं वैसे वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। ये एक टाइप से पूरा ब्रिस्टल का व्यू है यहाँ पे।
तो भाई लोग ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमारी हालत खराब हो गई है। बोलते हैं यहाँ की चोटी से पूरे ब्रिस्टल का व्यू आता है। अभी तक तो हम 10% ही चढ़े हैं, अभी बाकी बाकी है। बाकी ये हमारी टीम प्लेयर आगे जा रही है, ये देख लो, ये देखो हमें कितना ऊपर तो आ चुके हैं, अभी और ऊपर जाना है। हाँ तो हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। ये शायद लिलीज है, लड़कियों के लिए देख सकती हो। ये देख सकते हो ब्रिस्टल का व्यू पूरा, काफी अच्छी जगह है। मेरी सांस उफनी हुई है फिलहाल, तो अच्छा एरिया है, पर अभी कुछ खाने पीने को चाहिएगा। अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे। ये स्टेयर्स हैं यहाँ पे, ये अभी हम ऊपर जाते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। तो हम लोग फाइनली टॉप पे पहुंच चुके हैं, बाकी इससे थोड़ा सा टॉप और है, वहां जाते हैं। ये मेरी पल्टन नीचे बैठी है, थक चुके हैं ये लोग। बाकी ये है ब्रिस्टल पूरा, मैं पूरा तो कवर नहीं कर सकता, पर इसमें दिखा सकता हूँ आप लोगों को, काफी अच्छा एरिया है। ये है ब्रिस्टल का टॉप व्यू, ब्रिस्टल की सबसे ऊंची इमारत है ये एक टाइप से। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये ब्रिस्टल का पूरा व्यू है। मैं चारों तरफ से घूम के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सनसेट होने में अभी काफी टाइम है, बाकी यहाँ पे 7:30 बजने वाले हैं, ये देख सकते हो हम। बाकी आना वसूल हो गया, ये पूरा ब्रिस्टल है, काफी अच्छा एरिया है यार। लंदन से ज्यादा मुझे पसंद ब्रिस्टल आया, बेटर देन लंदन, काफी स्पेस है, ये देख सकते हो। ये है ब्रुनेल्स ग्रेट ब्रिटेन, ये व्यू देख लो यहाँ से। बाकी अभी काफी लेट हो गया, वरना यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, यहाँ पे बोट्स रहती हैं। वो देखो उधर दिख रही होंगी आप लोगों को बोट्स वगैरह, देखो वो रही। पर अभी टाइम लेट हो गया है काफी, यहाँ पे 8 बजने वाले हैं, तो इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वैसे शाम हो गई है, तो अभी हम लोग जाएंगे, हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है, पे हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं। बाकी शाम हो चुकी है, यहाँ पे 8 बज चुके हैं, और ये कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे 8 बज चुके हैं। कोई शोर दे दूंगा, कोई सवाल देना पड़ेगा आपकी तो चली आ गई है, सबको ये हमारी गैंग है यहाँ की, देसी इंडियन खाना खाने खाना है ना, 530 रुपए का खाना तो हमारा ब्रिस्टल का टूर हम मैं यहीं पे समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोगों को बस पकड़नी है, हम लेट हो चुके हैं, खाना हो चुका है हमारा, घूमना फिरना हो चुका है आप लोग, और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, हमें बस पकड़नी है। बाकी आप लोग इस वीडियो व्लॉग में देखना, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और बाकी कुछ और जानना हो यूनिवर्सिटी के बारे में,
किसी और चीज़ के बारे में व्लॉग बनाना हो तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं उस चीज़ पे वीडियो बना सकूँ। और तब तक हम नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो।